नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। वो आप बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पेट फूलने की प्रॉब्लम है, अफारा हो रहा है, ज्यादा खाना खा लिया, जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है, अनइजीनेस हो रही है, तो आप ये लीजिए सिर्फ हींग। ये मैंने एक चुटकी हींग ली है। ये आप छोटे बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चुटकी हींग ली है, इसमें हम एक चम्मच पानी डालेंगे इतना सा, और इसको इस तरह से ऐसे करके मिक्स करेंगे। और मिक्स करके जो हमारी टुंडी होती है सेंटर में, जैसे ये टुंडी है, यहाँ पे ये टुंडी है, तो ये हींग का पानी लेके अच्छी तरह से ऐसे ऐसे मिक्स करके ये पानी लेके और टुंडी के चारों तरफ बाहर बाहर ऐसे लगाएंगे, बाहर बाहर एक इंच तक ऐसे ऐसे लगा देंगे। ये छोटे बच्चे के भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके लगाने से थोड़ी देर में ही गैस, ये टुंडी को टुंडी के ऊपर नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ये टुंडी है, इसके ऊपर नहीं, इसको छोड़ के, टुंडी को छोड़ के साइड में ऐसे लगाना है। आप देखिए 10 मिनट में ही बच्चे की भी गैस पास हो जाती है और बड़ों की भी। बड़ों के तो टुंडी के आसपास ऐसे लगा के और इसको थोड़ा सा, इसका आधा पिला भी देना चाहिए। पिलाने से एकदम गैस पास होती है, हींग बहुत फायदा करती। यही तो आयुर्वेद है जो हमारी रसोई में भरा पड़ा है। पहले इतना ज्यादा कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था, इतने साधन भी नहीं होते थे, गांव में सब रहते थे और चौमासे में तो बिल्कुल नहीं जा पाते थे, तो इन्हीं सब चीजों से इलाज किया जाता था। मिलते हैं एक और होम रेमेडी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और ये जो मैंने बताई है एक बार इनको ट्राई जरूर करना। ये बिना पैसे की दवा है, एक भी पैसा इसमें नहीं खर्च होगा और नुकसान भी नहीं करती। सबसे बड़ी बात ये है, घर के मसाले हैं जो नुकसान भी नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।